इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बॉस्टन कॉलेज, रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एक मॉडल सेट बताऊंगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। आप सभी स्टूडेंट लिखिए, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ ये गेस क्वेश्चन है और इस गेस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, जरूर आएगा एग्जाम में, उम्मीद करता हूँ। ये गेस क्वेश्चंस है, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट्स को उतारिए और सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आपको मैं सभी सब्जेक्ट का देने की कोशिश कर रहा हूँ गेस क्वेश्चन, और मैं मॉडल सेट तैयार कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। तो लिखना स्टार्ट करें, ठीक है। अकाउंट्स का भी मैं दे दे रहा हूँ और आप थोड़ा सा बता देता हूँ, एग्जाम का तो रूटीन निकल गया है आप लोगों का, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर थोड़ा हम लोगों को इकोनॉमिक्स का भी गेस क्वेश्चन लिखवा दीजिए, एक मॉडल सेट तैयार कर दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडल सेट आपका तैयार करूँ, है ना, इसको गेस क्वेश्चन कहिए, ठीक है। और चलिए अब डेट डेट लिखिए, आज का डेट क्या है स्टूडेंट्स, डेट कितना है स्टूडेंट्स, 4 जून है ना, तो 4 जून लिखिए, 6/2022, और सब्जेक्ट को डेट कर दीजिए, यहाँ पर डेट लिखना होगा, ये डेट है, ठीक है। और सब्जेक्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्लास 11th का है, क्लास 11th का है, जैक बोर्ड, फॉर जैक बोर्ड है ना, और एकबोर्ड, ठीक है, लिखिए आप लोग। और मॉडल सेट 1, और ये लेक्चर 1 है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का हेल्प कर सकूँ, और लिखिए यहाँ पर, मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ, कोई तरह का दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह का दिक्कत हो, नहीं समझ में आता तो पूछिएगा, है ना, फोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूँ। स्टूडेंट्स लिखिए, आप लोग वीडियो देखते नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वीडियो ही नहीं देखते, या सीखने का शौक नहीं है, बहुत मुश्किल है समझाना, आप कम नंबर लाना चाहते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत करूंगा, कोई फायदा नहीं है, कुछ शौक नहीं है, है ना, जैसे तैसे पास कर जाइएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आइए फ्रेंड ध्यान देंगे, तो सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स डाल रहे हैं क्लास 11th का, और जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, है ना। देखिए, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएगा वो एक एक सबसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। टोटल आपको 19 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 19 और 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स का होगा, और कुछ क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा, और कुछ क्वेश्चन जो होंगे 5 मार्क्स का होगा। तो आपको 2 नंबर के लिए 2 नंबर का जवाब देना है। जैसे सखिए, मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, वेरी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये जो होगा 5, ये होगा 5 × 2, 5 × 2 तो बराबर कर दीजिए 10, बराबर कर दीजिए 10, 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा व्हाट वाज द, जैसे क्वेश्चन है नंबर 1 है, मान लीजिए क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा, आप लिखिए क्वेश्चन, लिखिए व्हाट वाज द एम ऑफ
what was the aim of great great leap forward? इसका आंसर आप क्या बताइएगा? इसका आंसर क्या बताइएगा? इसका आंसर लिखिए, what was the aim of the great leap forward? इसका आंसर लिखिए, चलिए इसका आंसर लिखिए, थोड़ा दो मार्क्स का है ये, दो मार्क्स का मैं लिख रहा हूं, दो मार्क्स में आप लिखिए यहां पर reforms, reforms and opening, ठीक है, इसका एम यही था, ओपनिंग अप, इसका आंसर बन गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर टू मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, हियर राइट, डब्ल्यू आर आई टी, राइट, वन डी मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, राइट वन डी मेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन का लिखिए, मेरिट्स लिखिए, डिमेरिट्स, तो डिमेरिट्स आप लिखिए यहां पर, ठीक है, बहुत सारा डिमेरिट्स होता है तो आपको एक ही डिमेरिट्स लिखना है ना, तो पहला लिख दीजिए एक ही डिमेरिट्स है, तो लिखिए मीन, है ना, डेविएशन, मीन डेविएशन इज ए अलजेब्रिक अलजेब्रिक मेथड, मीन डेविएशन इज ए नॉन अलजेब्रिक मेथड, ये हो गया है ना, तो दो क्वेश्चन बता दिए, अब पहला क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख लिए होंगे, अब आइए आप सी नंबर में आइए, सी नंबर लिखिए, आपको दो क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया, वाट डब्ल्यू एच, वाट इज ह्यूमन, वाट इज ह्यूमन, वाट इज ह्यूमन कैपिटल, वाट इज ह्यूमन कैपिटल, क्वेश्चन आपको इसका जवाब लिखना है, दो मार्क्स का तो ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, तो आप लिखिए इसका जवाब, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, दो नंबर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, इसका आंसर लिखिए, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज द, एज द, एज द नॉलेज कॉमा एबिलिटी, एबिलिटी कॉमा स्किल, एंड फिजिकल, फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द पीपल व्हिच हेल्प them to produce, produce more, ये human capital है ना, human capital के बारे में क्या लिखा है, human capital can be defined as the knowledge, knowledge को human capital बोला जाता है,
एबिलिटी को ह्यूमन कैपिटल बताया जाता है, स्किल को ह्यूमन कैपिटल बताया जाता है, और फिजिकल कैपेसिटी को है ना ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगा तो उसके माध्यम से प्रोडक्शन अधिक होगा, स्किलनेस भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए, यही है ह्यूमन कैपिटल, है ना। चलिए इसको लिख दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज लॉरेंज कर्व। इसको मैं फोर नंबर में लिख रहा हूं, फोर नंबर लिख रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, व्हाट इज लॉरेंज, एल ओ आर ई एन जेड, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या है? चलिए अब इसका आंसर बताना है। ये गेस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बट आप इसको जरूर नोट कीजिए, है ना। पिछले बार भी गेस क्वेश्चन दिए थे, एग्जाम में जरूर आया था। 100% तो नहीं आया होगा, लेकिन बहुत कुछ आया था। तो आप लिखना स्टार्ट करें, व्हाट इज लॉरेंज कर्व। लिखिएगा ग्राफिकल, जी आर ए पी एच आई सी ए एल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आर ई पी आर ई एस ई एन टी ए टी आई ओ एन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, 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 a graphical representation of the distribution of income, income or wealth within a WITHIN, within a population, within a population, POPULA population, है ना। अब ये भी हो गया। अब मैं तीन नंबर आपको मिटा देता हूं, लिख लिए होंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है। और अब लिखिए फाइव नंबर, ठीक है, डिफाइन, डिफाइन बेस ईयर, डिफाइन बेस ईयर, बेस ईयर को डिफाइन करना है, ठीक है, बेस ईयर किसको कहते हैं। चलिए इसका आंसर तैयार करते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं लॉरेंज कर्व को, हाँ ठीक है। ये हो गया आंसर। देखिए the first of a series of year in an economic or financial, first of a series of year in an economic or financial index, so that's a base year. अब मैं आपको छठा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है। सिक्स है, वेन वाज नाबार्ड, नाबार्ड, वेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, वेन वाज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, कौन सा वर्ष था वो। पहले तो मैं डिफाइन बेस ईयर को मिटा देता हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है।
आइए इसका आंसर लिखिए, कौन सा वर्ष? लिखिएगा 12 जुलाई 1982, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 7 नंबर। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से केवल 5 ही करना रहेगा, है ना। जो आपको अच्छा लगेगा वही कीजिएगा। चलिए देखिए, नेम वन, नेम वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब इसको आप लिखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। नेम वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए आप लोग। आंसर नेम वन सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका आंसर देखिए एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेशन डैश एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। कन्वर्ट ह्यूमन इनटू ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। मैं जो बता रहा हूँ 2 मार्च का बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। धीरे धीरे करके आप 2 मार्च का पहले तैयारी कीजिए। व्हाट इज के यू की थ्री, अब इसका आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिए। व्हाट इज कुसुम श्री, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, छोटा लिखना है ना। लिखिए कुसुम श्री, एस एच आर श्री is the leader of students for what the prediction E-R-A-D-I-C-A-T-I-O prediction and women empowerment government program implemented by the SPEM
इसका आंसर हो गया। इसका भी आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। इन विच सेक्टर्स, इन विच सेक्टर्स रिफॉर्म्स वेयर डन इन द इनिशियल इनिशियल फेज, HAS फेज। बहुत धीरे धीरे बोल रहा है स्टूडेंट्स, आप लिखिए है ना। फॉर्म्स आपको इन चाइना, इन चाइना अभी का आंसर आपको मैं लिखवा दे रहा हूं। इसका आंसर लिखिए। इसको लौटा दे रहा हूं। इसका आंसर लिखिए आप लोग। आंसर होगा सेक्टर में हुआ था तो एग्रीकल्चर लिखिए। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कॉमा फॉरेन फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सेक्टर ना। ये अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको आज मैं शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन लिखवा रहा हूं और आप अपने कॉपी में इसको जरूर रिकॉर्ड कीजिए। और ये गेस क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक गाइडलाइन है ना, अब आपसे पूछ सकता है व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, इस तरह से भी What is mean deviation? What is standard deviation? What is standard? Standard deviation. Yes, questions are student. आप तो देख चुके, पिछले बार भी मैंने जो गेस किया था सब आया आपका एग्जाम में, ठीक है। तो what is standard deviation? Standard deviation क्या है ना, इसका आंसर लिखना है। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द arithmetic average, average square all deviation स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, टेकन फ्रॉम मीन। चलिए ये हो गया आपका, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। भाई आप 11 नंबर क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीन कैसे निकल सकता है। डिफाइन प्राइस इंडेक्स, डिफाइन प्राइस इंडेक्स है ना, डिफाइन प्राइस इंडेक्स नंबर नंबर क्वेश्चन हुआ।
इसका आंसर लाइए। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा, देखिए आपसे देखिए इसका नंबर, इसका आंसर देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स 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 में मेजर लिखिए, प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस, क्या चीज को मेजर करता है, चेंजेस को मेजर करता है, क्या चीज का चेंजेस, इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन द प्राइस ऑफ स्पेलिंग देखिए सी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सी ओ डबल एम आएगा, यहाँ पर एक और एम लगाइए, सी ओ डबल एम ओ डी टी आई टी आई एस कर दीजिए, कम्युनिटीज होगा है ना, कम्युनिटीज लिखिए, बिटवीन बिटवीन द करेंट ईयर, करेंट ईयर द बेस ईयर and the base year, base year, year or base year, but the price index number major changes, major है ना, changes in the price of commodities between the current year and the base year, current year or base year के जो price में जो परिवर्तन होता है उसका measure करता है, उसको measurement करता है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट आप कितने वक्त तैयार रहिए, देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट राइट द नेम, राइट द नेम ऑफ एनी, राइट द नेम ऑफ एनी सोर्सेस ऑफ Write the name of any two sources of rural credit. ये क्वेश्चन हो गया है, अब आप इसका आंसर तैयार कीजिए, आंसर लिखिए, आंसर मैं मिटा देता हूँ, फाइन लिखिए इसका आंसर, write the name of any two sources of rural credit. पहला लिख दीजिए आप इसमें, पहला लिख दीजिए, पहला सोर्स मनी लेंडर, सीखिए मनी लेंडर, सर दीजिए ट्रेडर्स, ठीक है, तो देखिए हु इज कॉल्ड, नंबर लिखिए 30 नंबर, हु इज कॉल्ड, हु इज कॉल्ड क्रोनिक, सी एच आर ओ एन आई क्रोनिक पुअर, हु इज कॉल्ड क्रोनिक पुअर, ठीक है, क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 12 नंबर, अब ये 13 नंबर का आंसर लिखिए, चलिए आंसर लिखिए, हु इज कॉल्ड क्रोनिक पुअर, देखिए पीपुल हु, पीपुल हु आर लीडिंग, हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट,
पीपल हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट ऑफ पॉवर्टी पॉवर्टी एंड हु आर नॉर्मली नॉर्मली पुअर बट दे हैव ए स्मॉल अमाउंट विद इन देम विद देम कर दीजिए विद देम नेक्स्ट आइए आप क्वेश्चन नंबर 14 आइए 14 फॉर्मूला लिखने भी दे सकता है क्या है कि मीन का फॉर्मूला आपको जानना है मीडियन का फॉर्मूला आपको जानना है ना तो कैसे मीन निकाला जाता है मीडियन कैसे निकाला जाता है मोड क्या है ये सारा फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है दो नंबर का है ना बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसलिए स्टूडेंट फॉर्मूला को बुक से पूरा उतार लीजिएगा बुक में बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ध्यान दीजिए द मास ऑब्टेंड बाय ए स्टूडेंट The mass obtained by student in five subjects. Five की जगह exam में आपको six दे सकता है, seven सकता है, ten भी दे सकता है. Example दिया mean निकालने का. The mass obtained by students in five subjects are, है ना, 20, 30, है ना, ठीक है. 25, 35 and 45 ये मैं एक नंबर बैठाया ठीक है अपने इस नंबर बैठाया हूँ कि एक द मास ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन फाइव सब्जेक्ट्स आर इतना ठीक है फाइंड द मीन मीन निकालना देखिए आपको पढ़ाए होंगे फाइंड दी मीन मीन कैसे निकालिएगा ठीक है कुछ नहीं करना है मीन निकालने का जो सिंपल तरीका है आप इसका आंसर लिखिए इसका आंसर कैसे निकालिएगा मीन निकालने का कई मेथड है ना जैसे कि मीन का मतलब एवरेज हुआ मीन निकालने का सीरीज तो तीन प्रकार का होता है आप जानते ही होंगे इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज है ना ये जो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने जो लिखा है वो इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है आपको तो मालूम ही होगा है ना तो इस इंडिविजुअल सीरीज को पहचानने का क्या तरीका नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ फीमेल्स और संख्या नहीं दिया रहता केवल मार्क्स दे दिया कि 5 मैंने पर्सनली हो गया कि ए बी सी डी ऐसा है उसको नंबर आया तो इसको सिंपल जोड़ दो सबको और डिवाइड कर दो है ना जोड़ने इसका सिंपल तरीका डायरेक्ट मेथड में क्या बताया गया डायरेक्ट मेथड में बताया गया मीन निकालने का सिंपल तरीका है एक लकीर खींच देते हैं आपको देखिए लकीर खींच दे रहे हैं इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना आप जैसे 20 की जगह 40 भी लिख सकता है केवल टेक्निक को समझ जाइए बाकी तो आप जैसे 20 हो गया इसमें प्लस कर दीजिए 30 इसमें प्लस कर दीजिए 25 इसमें प्लस कर दीजिए 35 इसमें प्लस कर दीजिए 45 एग्जाम्पल हुआ है ना और नीचे लिख दीजिए आप नीचे लिख दीजिए आप कितने 5 मैंने एक मास ऑब्टेंड बाय एक स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट में कितना नंबर प्राप्त किया तो 5 से डिवाइड किया तभी निकलेगा एवरेज तो यहाँ पर मीन को एवरेज भी कहते हैं मीन इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा सबको जोड़ लो 20 और 30 कितना हो गया 50 हो गया है ना और 25 और 30 कितना हो गया तो 3 2 5 60 हो गया 60 हो गया 60 और 50 कितना हो गया
जोड़ दो स्टूडेंट है ना, और उसके बाद कितना है तो मैं जोड़ देता हूँ आपको, है जोड़ के ही बता देता हूँ डायरेक्ट। वैसे आप तो जोड़ने में एक्सपर्ट हैं, 20 हो गया प्लस 30 हो गया प्लस हो गया 25 हो गया प्लस 35 हो गया और प्लस 45 इक्वल टू 155। वन टोटल जोड़ कितना है, पांच विषय का 155, इसको पांच डिवाइड कर दो है ना, डिवाइड कर दो पांच से तो 119 आएगा इसका मीन, है ना। ठीक है, अब आपको इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा सकता है एग्जाम में, है ना, समझ में बात ना। अब जैसे कि आपको पूछ देगा कि देखिए मेडियन, मेडियन से भी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मेडियन कैसे निकलता है आपको तो मालूम होगा, मेडियन निकालने का तरीका बोले तो है नहीं। मेडियन क्या तरीका, जैसे कि मैं देखिए मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाला, ठीक है इसको मिटा देता हूँ, और देखिए मेडियन 15 नंबर आई है, 15 नंबर में है। वाट वाट विल बी मेडियन, है ना, वाट विल बी दी मेडियन, मेडियन वाट विल बी दी मेडियन ऑफ 15 कॉमा 20 कॉमा 25 कॉमा 25, और उसके बाद कर दो 10 कॉमा, ठीक है 5 ओके, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इस पैसे कर दो इतना का आपको मीडियन निकालना है ना। तो पहले तो दिए गए जो आइटम्स है उसको सजाना होगा, पहले क्या करना होगा, जो इंडिविजुअल चीज में मीडियन निकालने का क्या तरीका है, मीडियन का हिंदी क्या होता है, मध्यका होता है, तो मध्यका मीडियन निकालने के वाला बीच वाला हिस्सा है, इसकी हिंदी यही नहीं हुआ बीच वाला क्वेश्चन, तो कैसे निकालोगे, सिंपल तरीका है ना, पहले दिए गए पदों को सजाइए अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा क्रम से बड़ा क्रम, पहले आप लिखो अरेंज करो, अरेंज मैं एग्जांपल दे रहा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बुक में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जरूर बना लीजिएगा। बस मैं अगर टाइम मिलेगा तो डिटेल से मीन मीडियन पढ़ा दूंगा, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्या क्या आएगा देखिए, क्रम पहले क्या आएगा, पांच आएगा एक, फिर आएगा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूसरा पेज, पहले पांच आएगा फिर 10 आएगा फिर आपका आ जाएगा 25 नहीं फिर 15 आएगा फिर 20 आएगा फिर 25 आ जाएगा, पांच पद है। और इसके बाद मेडियन का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है आपको तो पता है, एम इज इक्वल टू क्या लिखाता है, एम बराबर है ना, ठीक है एम बराबर क्या लिखा है, एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो एन यहाँ पर यहाँ लाइन खींचिए, ये सिंपल क्वेश्चन है ना, यहाँ पर लिखिए एन 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 प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये ब्रैकेट में रहेगा ठीक है ना, एन प्लस वन डिवाइड टू, मीडियन का जो फॉर्मूला है एम बराबर एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन यहाँ पर एन जो है देखिए एन जो है यहाँ पर एक, यहाँ पर एन क्या है देखिए एन बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5, हेयर एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो इसको लिखिए एन इज इक्वल टू, हेयर एन इज इक्वल टू इस क्वेश्चन में जो हेयर एन इज इक्वल टू 5 जो कि ऑड नंबर है, 5 क्या ऑड नंबर है, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट आता है ना, ठीक है तो यहाँ पर ऐसा करो तुम 5 में प्लस कर दो 1 बैठा दो और डिवाइड कर दो 2 से, उसको डिवाइड कर दो 2 से है ना, 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, तो
बराबर आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू है ना 6 डिवाइड बाय 2 बराबर थर्ड। तो थर्ड आइटम जो है थर्ड आइटम ही मीडियन होगा। तो थर्ड आइटम कौन है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो पहला आइटम, दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, यही होगा थर्ड आइटम 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा है ना, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 15। समझा कि नहीं समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसको लिखो जल्दी स्टूडेंट्स, 16 लिखो। देखो mention any one reason, mention any one reason to promote to promote mention any one reason to promote girls education, girls education yes. Mention any one reason to promote girls education in India. यहाँ महिलाओं को शिक्षा अधिक दी जा रहा है, शिक्षा अधिक देने का क्या कारण है ना, क्योंकि उससे सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस होगा, इक्वलिटी कॉन्सेप्ट आएगा है ना। आज भारतीय महिला है ना हर क्षेत्र में आगे है, खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे, सब चीज में आगे, मेडिकल में भी है, इंजीनियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में, डिफेंस में, हर जगह। तो एजुकेशन देना तो जरूरी है, तो आप लिखिए इसका क्या कारण है, यहाँ लिखिए, पहला लिखिए आप कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION कंट्रीब्यूशन नेशनल ग्रोथ पहला। दूसरा लिखिए सोशियो इकोनॉमिक बराबर का दर्जा, सोशियो इकोनॉमिक ECONOMIC इकोनॉमिक इक्विटी देना, आज इसलिए शिक्षा दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे कारण है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया, आपसे तीन कारण भी पूछ सकता है, चार कारण भी पूछ सकता है ना, ठीक है। चलिए मैं इसको 15 नंबर मिटा दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक आइडिया होना चाहिए ना आप लोग को किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक ये आइडिया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप छोटा छोटा क्वेश्चन लिख सकते हैं है ना। आप एक क्वेश्चन लिखिए, डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया on the basis, define poverty line in India on the basis of minimum calorie, CALORI calorie intake. का आंसर आपको बता देना है, ठीक है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं,
पहले तो 16 नंबर मिटा देते हैं, 16 नंबर मिटा दिए हैं। अभी देखिए फ्रेश बोर्ड को साफ भी करना जरूरी है। फोर डबल जीरो रूरल एरिया, रूरल एरिया और 2100 अर्बन एरिया, अर्बन एरिया रूरल एरिया आर को कैलकुलेट कर दे। नेक्स्ट में आइए, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और भी वीडियो मिलेगा। अभी तो मॉडल सेट वन में हम इतनी दो नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, दो नंबर का लिखा रहे हैं, ठीक है ना। और आप लिखिए इसको, लिखिए नेक्स्ट 18 नंबर। अठारह नंबर लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इन विच कंट्री वाज द कंपेजिन named great leap forward lost ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर ढूंढिए। चलिए यहाँ पर आंसर लिखिए, आंसर को ब्लू से लिख रहा हूँ, पता चला कि ये आंसर है। इसका आंसर लिखिए, चाइना फ्रॉम 1958 to 1962। ये 19 नंबर अब 17 में मिटा दे रहा हूँ, वहां उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। 19 लिखिए, नेम वन नेम वन प्रोग्राम नेम वन प्रोग्राम Name one program run by the government. By the government. Okay. Name one program run by the government for poverty. Elevation चलिए अब इसका इसका आंसर लिखिए। ये पीएम जेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसको ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, जन धन योजना, ठीक है। चलिए हो गया आपका,
आप लिखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ इसके अभी इसके बाद और भी आपको बहुत सारा मिलेगा वीडियो देखिए देखिए 20 नंबर which average will be which average will be suitable to find out the average in a factory ठीक है factory और office in a factory नीचे तो क्वेश्चन लग जाएगा इसको मैं रेड पेंसिल दे रहा हूँ इसका आंसर आइए ब्लू हरा पेंसिल दे रहा हूँ एवरेज विल बी सुटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज इन अ फैक्ट्री इसका आंसर क्या होगा मीन के माध्यम से बहुत सबसे सरल है मीन तो इस तरीके से आपका 20 क्वेश्चन हुआ और एक क्वेश्चन ये है कि आपको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है राइट फॉर्मूला फॉर लेस प्रिय LAS YRES less PS price है ना index number तो ये क्वेश्चन हो गया अब इसका आंसर लिखना है आपको ठीक है तो के बाद यहाँ जीरो लिखिए P01 इक्वल टू का साइन दीजिए ठीक है और यहाँ पर सिग्मा वर्ड जो आया है ना सिग्मा है जैसे कि हमारा इसमें तो सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P1 Q0 ठीक है सिग्मा P1 Q0 और यहाँ लिखिए सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 इनको गुना करेंगे इसको गुना करेंगे 100 से समझा इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया तो विद्यार्थी अभी ये मॉडल सेट 1 में है ना मैं अभी आप लोगों को टोटल 21 क्वेश्चन लिखवाया वेरी शॉर्ट टाइप ये एक नमूना मैंने बताया कि आप लोगों को वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर कैसे ये एग्जांपल हुआ एक तरीका हुआ है ना अभी मॉडल सेट 2 भी बनाऊंगा और मॉडल सेट 2 और भी क्वेश्चन रहेगा मॉडल सेट 2 में मॉडल सेट 3 में आपको शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप है ना तो इस तरह से आपको एग्जाम में इतना 2 नंबर का क्वेश्चन टोटल 10 देगा है ना 10 करना ज्यादा रहेगा उसमें सिलेक्ट करना रहेगा ठीक है तो आप सभी विद्यार्थी इसको कॉपी में लिखिए है ना और ज्यादा ज्यादा अपना फोकस कीजिए जैसे कि मैं गाइड कर दिए अब आप बुक से थ्योरी पढ़िए है ना कि उसमें फॉर्मूला जो चैप्टर है मीन का क्या फॉर्मूला होता है मेडियन का क्या फॉर्मूला होता है मोड का क्या फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर के फॉर्मूला को एक जगह कलेक्ट कीजिए उससे ज्यादा बेहतर होगा ये तो गेस क्वेश्चन है ना ये गाइड हो गया अब इसके माध्यम से आप अपने से भी बुक से देखिए ठीक है तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को और बढ़िया से स्टडी कीजिए है ना और कोई मिस्टेक हो गया होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में लिखिए मैं करेक्शन कर दूंगा ठीक है धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स को